जिंदाबाद जिंदाबाद, मीना कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोलक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोलक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत के मुखिया कैसा हो जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत के मुखिया कैसा हो मिसी भैया कैसा हो। मीना कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फुलवरिया पंचायत के मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऋषि यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, मीना कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ढोलक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ढोलक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बी ए बी कॉम बी एस सी और एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है फुलवरिया पंचायत में और आपको बताते चले कि मीना देवी जो कि मुखिया पद की उम्मीदवार है उनके कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कार्यालय को किस तरीके से सजाया गया था, गुब्बारे से तिरंगे से सजाया गया था, झंडा भी तिरंगा यहाँ पे लगाए गए हैं जो कि देश की शान में हमारा यह तिरंगा होता है। तमाम लोग कार्यालय पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों की आप भीड़ भी देख सकते हैं कि पंचायत के ये सभी लोग हैं जो कि मीना देवी भी पहुंची हुई हैं, कार्यालय का उद्घाटन की हैं। आपको बताते चले कि रघुनाथपुर और सिसवन का चुनाव होने वाला है। ज़िले में जो भी जिन प्रखंडों में चुनाव हो रहा है बिल्कुल जिला प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवा रही है, लेकिन आज चुनाव को लेकर के तमाम जगहों पे चुनाव प्रचार भी चल रहे हैं और ऐसे में हमारी टीम पहुंची हुई है फुलवरिया पंचायत में जहां पर मीना कुमारी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन अपने हाथों किया। तमाम आज लोग मौजूद हैं, हम आगे भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं और आगे दिखाएंगे कि क्या कुछ किस तरीके से आज कार्यालय को जो उद्घाटन किया गया है। बताया कि मीना कुमारी कार्यालय का उद्घाटन आज की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने समर्थकों के साथ मीना कुमारी जो कि फुलवरिया पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार है ये खड़ी हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं कि मीना जी ये बताइए कि आपका दौरा कैसे चल रहा है, हालांकि अभी तो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तमाम लोगों की भीड़ देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं हम और अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे फुलवरिया पंचायत के सभी सम्मानित जनता को एक बार पुनः प्रणाम बा हमारा तरफ से और बहुत बहुत बधाई बा। क्या मुद्दा आपका इस बार का चुनाव में, हालांकि आप यहाँ से मुखिया भी रह चुकी हैं, विरोधी जो है कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपका चुनावी मुद्दा क्या? देखिए, मेरा चुनाव मुद्दा तो पहले से विकास और व्यवहार है, इसमें कहीं किसी को कमी नहीं है। अब विरोधी का बात है तो विरोधी का अपना मुद्दा है, नहीं तो किसका बात करेगा, मेरा ही ना बात करेगा। और विरोधी के पास अपना मुद्दा रहता, विरोधी का अगर अपना कुछ मुद्दा रहता तो अपना दिखाएगा, उन लोगों के पास तो कुछ है नहीं, जो मन करता है सो अपने आप बकवास करते रहता है। बोलने वाले को कौन मुँह रोक सकता है, जो बोलेगा सो बोलेगा जी। कैसा चल रहा है, आप लोग जा रही हैं क्षेत्र में, जनता का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? जनता का अपार सपोर्ट मिल रहा है और जनता मेरा तो हम तो अपने पूरे फुलवरिया पंचायत का अपना परिवार समझते हैं और वैसे ही हमको हर घर में जाते हैं अपने परिवार जैसे, हमको अपना सभी जनता हमको अपना रिस्पेक्ट देती है और आदर पूरा एक जैसे परिवार में एक आदमी का जो अपार प्यार मिलता है वैसे हमको पूरे पंचायत में अपना प्यार लोग हमको देते हैं। मीना जी पिछले बार मीना जी आपकी लीडिंग कितने से? पिछले बार चुनाव में मेरा 786 वोट से ऐसे लीडिंग हुई थी और इस बार हम जनता का अपना, पिछले बार चुनाव में हम भी नए थे, हम भी अपने जनता को बहुत पहचाने नहीं थे, लेकिन इस बार चुनाव में तो हम दरवाजे दरवाजे घूमे हैं और विशेषकर चुनाव के माध्यम से नहीं घूमे हम, इसलिए घूमे हैं कि हम दरवाजे दरवाजे जाएंगे तो हम इसलिए घूमते हैं कि कम से कम बच्चा बच्चा हमको पहचान जाए कि मेरे पंचायत की यही मुखिया है, तो बच्चा बुजुर्ग जो भी है वो हमको पहचान रहे हैं, जो भी काम लगता है महिलाएँ विशेषकर जो है जन से नहीं कह ली, मेरे से काफ़ी खुश है और जनता का पिछले बार का जो लीडिंग है उसको दोहरा देगी जनता हमको। तो आपने क्या सोचा है, महिला हैं आप, महिलाओं के लिए आपने कुछ सोचा है कि अगर जनता ने मौका दिया तो महिलाओं के लिए खास करके क्या करेंगी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ इस तरह का कुछ प्लानिंग है?
जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो हम पहली बार चुनाव में हमको जनता जब हम अपना अपार बहुमत दे के जिताई तभी से हम महिला के बीच उतर गए। जो भी उसमें कमी होता है उसको हम सोचते हैं, महिलाओं के पास महिलाओं लोग के पास हम जाते हैं, वो हमसे बोलती है, उसका समाधान भी हम करते हैं। और आगे मेरा यही कोशिश रहेगा महिला स्वावलंबी बन जाए, जो भी रोजगार व्यवसाय जो भी है जिस तरह का काम होगा जैसे मेरे से जितना सक्षम होगा उसको हम आगे करेंगे। कहा जा रहा है कि आपके चुनाव को लेकर के जोड़ा जा रहा है कि जो आरजेडी के जो विधायक हैं यहाँ पे हरिशंकर यादव, उनकी प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी हुई है, आप क्या मानती हैं? ऐसा कोई बात नहीं, प्रतिष्ठा दाव पर क्या लगाना है, चुनाव है, चुनाव के लिए हम ही काफ़ी हैं इस पंचायत में। अपना मेरा पंचायत है, हमको अपने पंचायत में हम घूमे हैं, और मेरा पंचायत मेरे पंचायत के सभी जनता हमको जानती है और सबसे हम मेरा अपार प्यार मिल रहा है, इसमें कोई कहीं कुछ कमी नहीं। लेकिन कई बड़े लीडर आपको हराने के लिए भी एरी चोटिये किए हुए हैं, आप शायद हम नाम नहीं रखेंगे लेकिन आपको भी पता होगा वो बड़े लीडर में गिने जाते हैं। देखिए दुनिया में बड़ा छोटा कोई नहीं है, जो जहाँ है वहाँ है, लीडर कोई आके कुछ नहीं करेगा। ये गांव का चुनाव है, गांव की जनता हमको जानती है, गांव के लोग हमको वोट देंगे, अपार बहुमत से हम लोग जीतेंगे, सब लोग देखते रह जाएंगे। कौन सा आपका चुनाव चिन्ह है और क्या कुछ अपील होगी हमारे चैनल के माध्यम से, आप अपने पंचायत के लोगों से क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के सभी सम्मानित जनता से कहेंगे कि मेरा पंचायत चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है और ढोलक छाप पर अपना भारी बहुमत देकर चुनाव उस दिन वोट करेंगे और काफ़ी हमको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। चलिए मीना देवी थी, कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइए कैसा इन्हें समर्थन मिल रहा है? मीना सर, अपार समर्थन मिल रहा है इनको, ये 5 साल तक लगातार मेहनत की हैं, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगी ये। तो इस बार क्या लग रहा है कि लोग बिल्कुल इनके साथ? हाँ हाँ, पूरा लोग साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए मौलवी साहब, क्या कुछ स्थिति रहेगी मीना कुमारी की? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पंचायत में काम बहुत की है, बहुत किया, किसी के भी दुख और सुख में एनी टाइम इनके पति हाजिर होते हैं, इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए कि आपके दुख और सुख में है, मरनी है जीनी में है। हाँ, आप आगे विकास जो होता है। कहा जा रहा है कि आमने सामने की टक्कर है और कड़ी टक्कर, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, नहीं जो जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा। हाँ, आप विकास कीजिएगा, आपके साथ जनता है, विकास नहीं कीजिएगा तो आपके साथ जनता नहीं है। जी बताइए, जैसे कुछ कहना चाहते हैं? ठीक बात, बहुत अच्छा बात है यहाँ का। हाँ, काम कैले बनी है? हाँ, बहुत काम कैले। देखिए कुछ और भी लोग हैं, एक दो महिला भी हैं, इन लोग से ही बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे मीना देवी को, महिलाओं का खास करके कैसा सपोर्ट? मैं आपके चैनल को पहले धन्यवाद करती हूँ। मीना देवी बहुत सारा काम की हैं 5 साल में, मतलब तो पहले जितना इनको ये नहीं था उतना तक काम कर दी हैं, तो जीतने के बाद और भी ज़्यादा काम करेंगी, उम्मीद है पूरा पूरा बिल्कुल विश्वास है। चलिए कुछ और भी लोग यहाँ पे हैं, थोड़ा बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे मीना देवी को कैसा? ना, आम पब्लिक सबको का निवेदन करना है वोट के बारे में, मीडिया से नहीं, जनरल जो कुछ नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या को संबोधन करना है कि प्रत्याशी आपका कैसा होना चाहिए, आप लोग चुनने के लिए बैठे हैं तो किस तरह का प्रत्याशी को चुने, उसका ड्यूटी क्या होना चाहिए, यही सब बात है। तो क्या लग रहा है मीना देवी, क्या लग रहा है मीना देवी को कैसा समर्थन मिल रहा है फुलवरिया पंचायत? ना, समर्थन तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन हमारा कहते हैं कि जनरल यहाँ पर लगभग 750 वोटर हैं, तो वोटर को प्रत्याशी किस तरह का चुनना चाहिए उसी बिंदु पर हमको 4 शब्द कहना है। बताइए बताइए, हम कहा आप लाउड स्पीकर बनवाइए ना, आपका है इसमें लाउड स्पीकर? यही मैं बोले। अच्छा, अब हमको खड़ा हो जाइए। आगंतुक सज्जनों, नौजवान, शॉर्ट में अपनी बात, यह प्रक्रिया जो है वह जनप्रतिनिधि को चुनना है, चुनाव शब्द है, चुनाव शब्द में आपको अपना प्रत्याशी कैसा होना चाहिए यही बिंदु रखता मुख्य बात, और जो चयनित प्रत्याशी है उसमें अगर सदाचार है, धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है तो अंत में उसको मोक्ष मिलेगा। लेकिन इन 4 बिंदुओं पर जो भी चयनित प्रत्याशी हमारा आता है, मीना है या जो आए, वह धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, आर्थिक दृष्टिकोण से अर्थ उसके पास नहीं है, लेकिन हम ही लोग का अर्थ उसके पास विकास करने के लिए आता है। अगर वह प्रतिनिधि गुणवत्तापूर्वक विकास करेगा, ईमानदारी से विकास करेगा तो अंत में उसको मोक्ष मिलेगी, और वही मोक्ष का यह अंतिम परिणति है कि फिर चुनने का एक मौका आया है। अगर वह प्रत्याशी 5 वर्ष रहा है, अगर काम अच्छा किया हो तो आप उसको वोट दीजिए, बहुमत से जिताइए, अगर काम अच्छा नहीं किया है, ईमानदारी से काम नहीं किया है, गुणवत्तापूर्वक काम नहीं किया है, सामाजिक आदर
लोगों का नहीं दिया है, बुजुर्गों का अगर नहीं दिया है तो उसको मत चुने। सामाजिक विकास के दायरे में व्यक्तिगत किसी का विकास नहीं। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम ठाकुर चौधरी है। चौधरी जी, और भी कुछ लोग मौजूद है, बताइए कैसा क्या लग रहा है मीना देवी का, जिस तरीके से आमने सामने की दो लोगों के बीच लड़ाई मानी जा रही है, जो फुलवरिया पंचायत है, ऐसे में क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जन समर्थन ले रहा है, ठीक ना। अब विकास किया गया है, मीना डॉक्टर मीना कुमारी की तरफ से विकास किया गया है, काम किया गया है। इसका जो मेहनताना है वो जनता देगी, एकदम जनता देगी, 100% जनता देगी, 100% जनता साथ में है। ऋषि जी एक मिनट, ऋषि जी मीना कुमारी के जो पति हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताइए ऋषि जी, कुछ अब समय ज़्यादा नहीं है, 8-10 रोज का समय बच चुका है चुनाव का, कैसा चल रहा है आमने सामने की लड़ाई होगी? नहीं, तैयारी हमारे प्रत्याशी का जो भी फुलवरिया पंचायत से निवर्तमान मुखिया है मीना कुमारी की तैयारी बहुत बढ़िया है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, सारी जनता उनके साथ खड़ी है, जिसके लिए आपको, आप मीडिया बंधु भी जिले से आए हैं, जिनको आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष क्या कहना है, ये व्यवहार और विकास के नाम पर ये चुनाव होना है मेरे फुलवरिया पंचायत में और अन्य पंचायतों में, विकास और व्यवहार पर चुनाव होना है। तो सब जनता को, जनता से यही मेरी अपील रहेगी कि आप देख लीजिएगा कि जो भी दोनों प्रत्याशी, जो रहे हुए प्रत्याशी हैं, कोई प्रत्याशी 15 साल रहा हुआ है, कोई प्रत्याशी 5 साल रहा हुआ है, दोनों प्रत्याशी का आचार व्यवहार आप दोनों से मिला लीजिएगा, जनता देख लेगी आगे किसका व्यवहार कैसे रहते हुए कार्यकाल में हो गया है, वो उनके कार्यकाल में कैसा व्यवहार उनके द्वारा किया गया है और मेरे पत्नी के कार्यकाल में मेरे पत्नी द्वारा कैसा व्यवहार किया गया है, ये दोनों को देखते हुए आप इस जनता को चुनाव करें और बहुमूल्य वोट हमारे ढोलक छाप पे बहुमूल्य वोट दे। अन्यथा जो भी प्रत्याशी सामाजिक व्यवहार से, जब पद पर रह रहे हैं तो सामाजिक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लोगों को मारने पीटने का काम कर रहे हैं, उनको एकदम सिरे से खारिज कीजिए कि वो देख के दूसरा कोई मारपीट भी हो रहा है क्या आपके पंचायत? नहीं, होता नहीं है। जब वो लोग अपने कार्यकाल में रहे हुए हैं, ऐसे सैकड़ों कहानियां हैं कि वो मुखिया रहते हुए में लोगों को मारे हैं, पीटे हैं, प्रताड़ित किए हैं। एक दिन वो मीडिया में बयान दिए थे कि वो झूठ छात फैलाना उनका कार्य है, इसमें लूट लिए हैं, उसमें लूट लिए हैं, उसमें लूट लिए हैं, कहीं लूटा नहीं गया है और लोग जानते हैं कि हम लोग कितने लूट खसोट करने वाले लोग हैं। उनका केवल मुद्दा यही है, झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, और कुछ उनके पास मुद्दा नहीं है। अन्यथा वो 15 साल में क्या किया? बार भी सियोर है कि जनता बिल्कुल इस बार आपको चुन करके और मुखिया बनाए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जनता बहुत पहले से तैयार है, पिछले साल भी, पिछले पंचायत चुनाव में तैयार थी, 776 वोट से जनता डिफरेंस से हम लोग को जिताई थी, मेरे पत्नी को जिताई थी मीना कुमारी को, और इस बार जनता 1000 से जिताएगी जनता, और आपको बुरे तरीका से हराएगी कि कोई भी गलत करने वाला प्रत्याशी को जनता नहीं चुनेगी, वो वार्ड हो, मुखिया हो या कोई भी हो, अच्छे लोगों का, नेक लोगों का चुनाव किया जाए, जो जीतने के बाद अपना व्यवहार, अमीर गरीब बड़े छोटे सबके साथ अच्छा और सुंदर व्यवहार रखे। बिल्कुल, आपने देखा कि ऋषि जी थे और इन्हीं की पत्नी है मीना कुमारी, और आने वाले वक्त में अब देखना यह होगा कि जब इस पंचायत का, इस प्रखंड का चुनाव होता है तो जनता किसे फुलवरिया पंचायत से चुनकर मुखिया बनाने का काम करती है, तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, फुलवरिया पंचायत, रघुनाथपुर, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाए समाधान, अभी कॉल करें 8448277903। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहाँ एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। जी, मैं सुशील कुमार उर्फ डब्लू, सिवान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 प्रखंड भगवानपुर से जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह जलता हुआ दिया छाप है, जो कि EVM के क्रम संख्या 20 पे निर्धारित है
और आप सभी युवा बुजुर्ग माता बहन हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा आग्रह है कि 5 सालों तक में जितना हमने काम किया है, जितना हम आपके बीच में रह करके व्यवहार बनाने का काम किया है, एक जनसेवक के रूप में आप मुझे एक बार पुनः अपना आशीर्वाद देंगे और मुझे विजयी बनाने का।